थोड़ी इसी होगी कि इन्फॉर्मेशन और ब्रीफिंग है कि हम लोग कहाँ बैठे हैं और किधर। फिर मैं आपको बताऊंगा शेड्यूल बेस क्या होता है, रबिश क्या होता है और मॉर्निंग माई टू फैमिली। तो आज का व्लॉग करते हैं ये स्टार्ट। तो अभी टाइम सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है। आज जॉब तो पहले दिन ही उधर अप्लाई किए और आज हमारा टेस्ट है जी उधर, तो बस वर्दी वगैरह पहन ली थी, ठीक है। अभी चलते हैं जी। मैं हूँ अतीक भाई, ये चाचू है और एक दूसरे अफजाल भाई है, चार आदमी जाएंगे। माशाल्लाह जी सुबह सुबह का मौसम है जी, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बादल आए हुए हैं और बस बाकी लोग भी सारे खड़े हुए हैं जी, जो जो काम के लिए जाते हैं ना सब बाहर खड़े हुए हैं जी, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी का। और हमने भी ग्रेप मंगवाई हुई जी, बस ग्रेप आती है, गाड़ी आती है और सीधा उधर चलते हैं। माशाल्लाह जी ये वर्दी चेक करेंगे, मज़ा करनी पड़ी जाती। और ये हैं जी अफजाल भाई, और बस अभी इंतज़ार करते हैं जी, गाड़ी आती है ठीक है, ग्रेप मंगवाई हुई है वो आती है और फिर उधर चलते हैं। 8 बजे क्लास है। ये देखें कोई साइकिल पे जा रहे हैं काम के लिए और बस भी आई हुई है। जो जो काम पे जाते हैं ना, कुछ बसों पे जाते हैं ठीक है, कुछ गाड़ियों पे, कुछ बाइक पे, कुछ साइकिल पे, बस हम भी इंतज़ार कर रहे हैं जी अपनी गाड़ी का। माशाल्लाह जी कबूतर देखें जी, सुबह सुबह कितने कबूतर आए हुए हैं जी, किसने दाने डाले हैं जी इन पर। ये देखें माशाल्लाह उड़ गए हैं जी अभी बस। ये रही जी गाड़ी आ गई, बस बैठते हैं और चलते हैं जी जल्दी से, ठीक है टाइम बहुत थोड़ा है। A few minutes later. ये रही जी क्या कहते हैं इसे, हमारी लोकेशन है, इधर बस पहुँचा है जी। अभी बस कार्ड वगैरह लेते हैं, एंटर होते हैं अंदर, फिर देखते हैं जी क्या सीन है, आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। ये कोई कार्ड मिले जी एंटर होते ही, ये अभी याद रखना है। और बाकी लोग भी बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं, बस अभी 8 बजे क्लास लगेगी जी, 10 मिनट रहते हैं, 8 से लेकर 12 बजे तक क्लास होगी जी हमारी इंशाल्लाह। बस दुआ करना इंशाल्लाह पास हो जाएं। ये रहा जी सामने रूम, बस इधर अंदर चलते हैं हाल है, बस इधर बैठेंगे और क्लास लगेगी जी। 8 हो गए, बस अभी अंदर एंटर होते हैं जी, ठीक है, बस दुआ में याद रखना जी। बाकी ये माहौल है जी सारा, बाकी फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं क्या सीन है। सामने बॉस आ गए, बस अभी थोड़ी देर तक क्लास स्टार्ट होती है जी, हम भी बस इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले बोर्ड पे समझाएंगे जी, उसके बाद फिर पेपर देंगे, वो फिल करना है बस इंशाल्लाह। दुआ करें जी। ये हमारी क्लास है जी, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट इंडक्शन कोर्स, आज की है हमारी क्लास है। वैसे भी थोड़ी देर में स्टार्ट होती है इंशाल्लाह। सब बैठे हुए जी इंतज़ार कर रहे हैं। अरे ये थोड़ी इसी होगी कि इंफॉर्मेशन और ब्रीफिंग है कि हम लोग कहाँ बैठे हैं और किधर। लेक्चर हो गए जी ख़त्म और बस अभी इंतज़ार कर रहे हैं पेपर का, टेस्ट का शुरू, बस थोड़ी देर में अभी टेस्ट होता है जी, 2 घंटे का टेस्ट है। और टाइम अभी 10 बज रहे हैं, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या कहते हैं लेक्चर था और अभी टेस्ट है जी थोड़ी देर में। ये रहा जी टेस्ट, अभी बस थोड़ी देर में शुरू होते हैं, पेंसिल और क्या कहते हैं रबड़ वगैरह मिल गए, ये भाई दे रहे हैं जी पेपर, ठीक है। तो बस अभी थोड़ी देर में पेपर देते हैं। हो गए जी टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, और अभी बस वापस चलते हैं। 3 hours later. ये जी बस इधर साइन वगैरह करते हैं, जो अभी टेस्ट दिए ना उस पर बस साइन वगैरह करते हैं और वापस निकलते हैं जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट हो गए जी, 8 बजे से लेकर
11 बजे तक लेक्चर था, सॉरी 10 बजे तक, और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक टेस्ट था। बस अभी टेस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी, 3 दिन में पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि पास हो गए हैं या फिर बस जॉब करना जी कि पास हो जाएं इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कि पास हो जाएंगे। तो बस अभी वापस चलते हैं जी, थोड़ी देर इधर बैठते हैं, ठीक है, फिर जुमे की नमाज़ का भी टाइम है, जुमे की नमाज़ भी पढ़नी है जी, 12 हो गए हैं। बारिश ही लग पड़ी है जी और अभी तक ग्रेप नहीं आई है जी, अभी 10 मिनट और भी रहते हैं जी ग्रेप आने के, लेकिन बारिश लग गई जी। बस अभी इंतज़ार करते हैं ग्रेप का, जल्दी से ग्रेप आए और अपने रूम को पहुँचे जी। अभी इधर ही जी खड़े होकर बस ग्रेप का इंतज़ार करते हैं, जल्दी से ग्रेप आए और वापस अपने रूम को पहुँचें जी, बारिश नहीं तो तेज़ हो जाएगी जी। फिर ये देखें काले बादल आ गए, ये देखें जैसे जैसे टाइम गुजरते जा रहे बारिश भी तेज़ हो रही है जी, और हम अभी इधर ग्रेप का इंतज़ार करते हैं, बस जल्दी से ग्रेप आए और वापस चलें जी। चलो जी आ गई है जी अपनी ग्रेप, बस अभी इस पर बैठते हैं और सीधा रूम को चलते हैं, ठीक है। Later. वापस पहुँचाए जी अपने माहौल को, ठीक है, बस अभी तैयारी वगैरह करते हैं जुम्मे की नमाज़ की, आधा घंटा रह गया है बस जुम्मे की नमाज़ में, जल्दी से तैयारी वगैरह करते हैं, भूख भी लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। बस सुबह ही हल्का फुल्का नाश्ता किया था और अभी इतनी भूख लगी हुई है आपको क्या बताएंगे, पानी तक नहीं पिया हुआ था, ठीक है। तो बस अभी रूम को पहुँचते हैं जी, जुम्मे की नमाज़ की तैयारी वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। जैसे इधर पहुँचे जी अपने माहौल को, बारिश भी रुकी है जी, शुक्र है इधर बारिश नहीं। A few moments later. माशाल्लाह जी मौसम चेक करें कितना प्यारा हो रहा है जी, और बस हमने भी जल्दी जल्दी तैयारी की है जी जुमे की नमाज़ की, क्योंकि जुमे की नमाज़ रह जाती है, फिर अभी भी 2-3 मिनट रहते हैं, बस खुतबा बयान कर रहे हैं जी उस्ताद जी। तो बस अभी पहले चलते हैं जुमे की नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाएँगे जी, नाश्ता करेंगे क्योंकि भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, सुबह बस हल्का फुल्का नाश्ता किया था। बस पहले भी चलते हैं नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। Patuhnya yakni orang beriman hendaklah berisi muka kepada Allah dan berhenti daripada perkara yang persoalan. अल्हम्दुलिल्लाह जी जुमे की नमाज़ अदा कर ली जी, और अब जल्दी से चलते हैं जी रूम को, ठीक है, पहले खाना वगैरह खाते हैं, भूख भी लगी हुई है और ऊपर से फिर नींद, इतनी नींद आई हुई ना आपको क्या बताएं, नींद ही पूरी नहीं हुई, रात को 4 बजे सोए थे और 6 बजे सुबह उठ के फिर चले गए जी टेस्ट देने के लिए, तो इस वजह से पहले बस नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद आराम करते हैं जी। A few moments later. ये रही जी हीरो मार्केट, बस अभी इधर आए जी, थोड़ी सी ग्रोसरी की खरीदारी करनी है, ग्रोसरी ख़त्म हुई हुई थी तो इधर ग्रोसरी की ख़रीदारी करते हैं और फिर वापस चलेंगे। नाश्ता वगैरह कर लिया था तो ग्रोसरी की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, रात के लिए कुछ नहीं था, तो इस वजह से भी इधर आएँ, इधर थोड़ी सी ख़रीदारी करते हैं, आपको भी साथ साथ दिखाते हैं जी। ये देखें जी मॉल बना हुआ है, ओहो हो क्रिसमस फुल मॉल बना हुआ है जी आज तो, बाबे डांस लगी हुई जी, मॉल बना हुआ है फुल, क्या ये भी मॉल बनाया हुआ है जी आज इन्होंने, ये जी सब्जी वगैरह इधर से उठाते हैं, प्याज हो गए, आलू वगैरह हो गए। हाफिज़ साहब जी जी, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। तो बस अब इधर से चीज़ें वगैरह उठाते हैं, ये सब्जी वगैरह जो भी बाकी चीज़ें, ठीक है, लहसुन वगैरह हो गए, ठीक है, सारी चीज़ें लेते हैं जी और बाहर निकलते हैं, थोड़ा माहौल इंजॉय करते हैं, आज फुल माहौल बना हुआ है इधर, रश भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें ये साइड पर सब्जियां वगैरह हैं जी, ठीक है, बंद गोभी हो गई, बाकी भी जो जो चीज़ें हैं, और इस साइड पे फ्रूट वगैरह सब लगे हुए हैं जी, ठीक है, केले हो गए, माल्टे, हर चीज़ अवेलेबल है जी, ठीक है। ये इस साइड पे मटन वगैरह, गोश्त वगैरह जी, फ्रीज़र में गोश्त वगैरह रखा हुआ है, ये देखें फिश, मच्छी वगैरह सभी चीज़ें, ये देखें 17 रंगेट और 90 पैसे में 22 रंगेट इस तरह की, ये देखें चीज़ें माशाल्लाह जी,
क्या वी आई पी किस्म का मार्ट है इधर, बस सारी चीज़ें वगैरह लेते हैं, ये अदरक वगैरह हो गई, बाकी भी जो जो चीज़ें ज़रूरत की है ना जल्दी जल्दी से लेते हैं और फिर थोड़ा सा माहौल इंजॉय करेंगे जी। ठीक है, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है मगरिब के लिए, तो थोड़ा सा माहौल इंजॉय करेंगे फिर वापस चले जाएँगे। जल्दी से जितना चीज़ें वगैरह उठाते हैं कि नमान भाई जल्दी जल्दी उठाओ यार, फिर वापस निकलेंगे। ये रहा जी सारा ग्रोसरी का सामान, ठीक है, घी वगैरह हो गया, बाकी जो चीज़ें वगैरह थी दालें वगैरह सब कुछ ले लिया जी। बस अभी चलते हैं काउंटर पे, पैसे वगैरह पे करते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं, बाहर पर थोड़ा क्या कहते हैं माहौल को एंजॉय करते हैं। बाकी भी चीज़ें वगैरह लिखी हैं लेकिन हमारी ज़रूरत की फ़िलहाल कुछ नहीं है, जो जो हमें ज़रूरत था वो हमने ले लिया है बस। तो फिर घर की तरफ वापस निकलेंगे जी, क्योंकि रात के खाने का बंदोबस्त भी करना है। ये पे करते हैं, ठीक है, इधर पैसे देते हैं और बाहर निकलते हैं फिर। A few minutes later. ये रहा जी सारा सामान वगैरह ले लिया जी और बस अभी वापस घर की तरफ निकलते हैं जी। ठीक है, ग्रोसरी की जो जो भी चीज़ें ज़रूरत की थी ना वो ले ली हैं और अभी बस थोड़ी देर में मगरिब का टाइम होने लगा है जी, मगरिब की अजानें भी दूर दूर होने लगी हैं शायद, तो बस अभी घर को चलते हैं जी। आज का व्लॉग यही था, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये व्लॉग पसंद आएगा और दुआ भी लाजमी करें जी मेरे लिए और सब दोस्तों के लिए कि हमारा जो टेस्ट दिया है ना वो पास हो जाए, इंशाल्लाह पास होगा, उम्मीद तो है जी। तो बस आज के व्लॉग यही था, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये देखें सारे दूर चले गए, तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।